एंजॉय किया मैंने बहुत अरसे के बाद, बड़ा मजा आया और पार्टी भी बहुत अच्छी थी। क्या अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छी थी। सिर्फ अरेंजमेंट्स अच्छी थी, बाकी किसी चीज पे गौर नहीं किया तुमने? नहीं, मैंने किसी और चीज पे गौर नहीं किया। लेकिन हारिस, मैंने तो गौर भी कर लिया और पसंद भी कर लिया। जी वो जो मिसेस अनीस है ना, उनके लॉयर की बेटी माहम, बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सिंपल, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं उनके लॉयर की बेटी। हाँ, मिसेस अनीस के दूर की रिलेटिव भी हैं वो। उनके अब्बू बहुत बड़े लॉयर हैं और वो लड़की खुद भी बहुत पढ़ी लिखी है, MBA किया उसने, एंड आई एम श्योर बिजनेस में भी हेल्प करा सकती है। मुझे बहुत पसंद आई है। जैसा आप बेहतर समझें। मेरे बेहतर समझने से क्या हो सकता है, फैसला तो तुम्ही को करना है ना, और आई थिंक अब वक्त आ गया, फैसला हो जाना चाहिए। बर्दार। हाँ बर्दार, अपनी घटिया जबान से मेरा नाम मत ले। हमारे बीच अब कोई ताल्लुक नहीं है, और जो ताल्लुक था भी ना, वो मेरे लिए बायस नकाम। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं चीख चीख के पूरे मोहल्ले को जमा करूंगी, मैं बता रही हूँ। कर लेना। देखो उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया था अनुषा, मुझे समझ नहीं आया। तुम प्लीज एक बार। मुझे कोई एतराज नहीं। रियली? जब अनुषा ने मेरी बात ही नहीं सुननी है तो मैं अम्मी को किस बात की सजा दूं? तो बस फिर ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि उन लोगों को कल ही डिनर पे इनवाइट करती हूँ।